यदि मूत्र नली में यानी पेशाब की नली में पेशाब वाली पाइप में पथरी अटक जाए तो उसके लिए एक मैं रामबाण घरेलू उपाय आपको बताने जा रहा हूं। आप करिए, आपको 100% नहीं, आपको 200% फायदा ना हो तो फिर आप जहां पे कमेंट करके मेरे को बताएं। तो इस जो हमारा ये पेज बना हुआ है प्रैक्टिकल आयुर्वेदा, इसको ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करें, फॉलो करें, ऐसे घरेलू योग मैं आपको बताता रहूंगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक केला लेना है जो ना ज्यादा पका हुआ हो ना कच्चा हो, और भीमसेनी कपूर लेना है आपने 1 ग्राम। तो भीमसेनी कपूर के आपने 1 ग्राम के 3 टुकड़े बना लेने हैं। तो जो आपके पास पका हुआ केला है उसमें 3 छेद कर लें, बिना छिलका उतारे उसमें 3 छेद कर लें किसी नोकीली चीज से। एक ऊपर बड़े पोर्स में छेद कर लें, ऊपर वाले पार्ट में छेद कर लें, एक बीच के पार्ट में छेद कर लें, नीचे वाले पार्ट में छेद कर लें, और 3 जो आपके पास भीमसेनी कपूर के टुकड़े हैं, एक टुकड़ा ऊपर फंसा दें, एक टुकड़ा बीच में फंसा दें, और एक टुकड़ा केले के नीचे वाले पार्ट में जो आपने छेद कर रखा है वहां पे फंसा दे। तो अभी आपने इसको केले को सुबह खाली पेट छील के खा लेना है, और इसको खाने के 2 घंटे बाद तक आपने कुछ नहीं खाना है। पानी पी सकते हैं आप, कच्ची लस्सी पी सकते हैं, कच्ची लस्सी यानी आधा दूध आधा पानी, तो आधा गिलास दूध का और आधा गिलास पानी का ये मिक्स करके आप ये केला खाने के 10-15 मिनट बाद पी सकते हैं। तो ये जो प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं आप 3 दिन करिए, आपकी जो पेशाब की नली में पथरी फंसी हुई है वो 100% निकलेगी और आपको बिल्कुल आराम आएगा। जिसमें डॉक्टर ऑपरेशन की बोल देते हैं, एलोपैथी वाले ऑपरेशन की बोल देते हैं, तो वहां पे ये बहुत ही सफल जो है एक घरेलू उपाय है। आप इसको करिए और इसका लाभ उठाइए।